प्रेगनेंसी फेज हर महिला के लिए बेहद खूबसूरत और एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है, लेकिन अक्सर महिलाएं डिलीवरी के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कहा जाता है। ऐसे में महिलाओं को क्या करना चाहिए, किन थेरेपीज का सहारा लेना चाहिए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बेटी राहा के जन्म के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रही हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में आलिया ने इसके बारे में न सिर्फ खुलकर बात की, बल्कि एक वर्किंग मॉम के लिए चीजों को बैलेंस करना कितना मुश्किल है ये भी बताया। एक्ट्रेस का मानना है कि नई माँ पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। आलिया ने कहा, राहा के जन्म के बाद एक माँ के तौर पर मुझे अक्सर इस बात की चिंता सताती है कि मैं उसे वक्त दे पा रही हूँ या नहीं। इस बात को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहती हूँ कि अपने काम और बेटी के बीच चीजों को सही तरीके से मैनेज कर पा रही हूँ या नहीं। एक्ट्रेस का ये भी कहना है कि नई माँ पर समाज का भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आज भी लोगों का ये मानना है कि एक औरत को माँ बनने के बाद करियर को बिल्कुल साइडलाइन कर देना चाहिए। सामाजिक बंधनों से परे होकर जब एक माँ काम पर जाती है तो कई बार उसे गलत ना करते हुए भी गिल्ट महसूस होने लगता है। इंटरव्यू के दौरान आलिया भट्ट ने ये भी कहा कि इस तरह के गिल्ट से निकलने के लिए वो हर वीक में थेरेपी ले रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचने के लिए थेरेपी का सहारा ले रही हैं। ऐसे में आम महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एक तो ये है कि प्रसव के बाद महिलाओं को हार्मोन से बदलाव होते हैं, उनमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स में बदलाव होता है, जिसका असर उनके व्यवहार पर पड़ता है। इसके अलावा सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि बेटे की चाह हो और बेटी हो जाए तो महिलाओं को काफी तनाव और दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा महिलाओं पर बहुत से दूसरे दबाव भी होते हैं, बच्चे और घर की अधिक जिम्मेदारी उन पर होती है और वो शारीरिक रूप से कमजोर भी होती है। इन सब के बीच अगर ऑफिस हो तो उनके अंदर काम में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने का डर भी बना रहता है। ऑफिस में आने में देरी या बच्चे के कारण बार बार छुट्टियां लेने से उन्हें महसूस होने लगता है कि वो पिछड़ रही हैं। इसके अलावा कई बार महिलाएं डिलीवरी के बाद शरीर में आए हुए बदलावों, वजन बढ़ने आदि के कारण भी परेशान रहने लगती है। अगर बात करें कि क्या है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर लक्षण शुरुआती हैं तो इसके लिए दवाइयों की जरूरत नहीं होती, लेकिन बीमारी बढ़ जाने पर एक्सपर्ट को दिखाना जरूरी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि प्रसव के बाद महिलाओं को परिवार के सहयोग की बहुत जरूरत होती है, वे कई शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजर रही होती हैं। ऐसे में उन पर अच्छी माँ बनने का दबाव ना डालें और बच्चे की देखभाल करने में मदद करें, उन्हें इमोशनल सपोर्ट दें और पेशेंस रखें। अब सवाल ये उठता है कि क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का कहना है कि महिलाओं को ऐसी समस्या ना हो, इसके लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार पोस्टपार्टम डिप्रेशन में बच्चे की कोई गलती नहीं होती। जब कोई महिला उनके पास थेरेपी लेने आती है तो उसे उसकी ताकत का एहसास दिलाया जाता है। इसके साथ ही उसे ये भी बताने की कोशिश की जाती है कि वो हर काम करने में सक्षम है। थेरेपी में महिलाओं को बताया जाता है कि मॉम गिल्ट तब और ज्यादा खतरनाक हो सकता है जब तनाव का लेवल बढ़ जाए, इसलिए ऐसी किसी भी स्थिति में एक्सपर्ट से संपर्क जरूर करें। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि कुछ मामलों में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स मेडिकेशन भी शुरू कर सकते हैं। बच्चे के जन्म के बाद अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला अचानक बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी, गुस्सेल और बहुत शांत हो गई है तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। महिलाओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर की सलाह ले और स्थिति को आम ना समझे। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।